किसी को देखते हैं जो हमसे लुक वाइज बेटर, नहीं जो आपसे लुक वाइज बेटर है, जब ऐसे किसी को देखते हो तो क्या होता है? जलन होती है, बुरा लगता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हम उसको बोल सकते हैं, जलन भी बोल सकते हैं, जेलसी भी बोल सकते हैं। कोई आपसे आगे निकल जाता है किसी चीज में तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं, मतलब बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर पैदा होती है। आपको कोई नहीं मिली है, किसी और को मिल गई है, और जिसको मिली है वो आपसे काफी गया गुजरा है, ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, किसी के अंदर किसी वजह से आता है, किसी के अंदर किसी वजह से। तो अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है बेसिकली कंपैरिजन की वजह से होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप कंपेयर करते हो योरसेल्फ टू अदर पर्संस, कि लुक वाइज कंपैरिजन, मनी वाइज कंपैरिजन, सक्सेस वाइज कंपैरिजन, तो उस वजह से होता है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी जो जड़ है वो कंपैरिजन है। तो हम कंपैरिजन क्यों करते रहते हैं सुबह से रात तक? बेसिकली सर हैप्पीनेस की वजह से, मतलब हम रीजन ये ढूंढते हैं कि सामने वाले बंदे के पास ये चीज है बिकॉज ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड है बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, पर्सनैलिटी, फिजिक। अच्छा हाँ ठीक है, कि उसके उस बंदे के पास में पर्सनैलिटी है, फिजिक है। सर सामने वाली की सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है और अपनी सिर्फ नेगेटिव। सामने वाले की हमको पॉजिटिव क्वालिटीज दिखती रहती है, या ये कह लो सामने वाले अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाते रहते हैं इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। क्या आप अपनी वर्स्ट पिक्चर अपलोड करते हो? नो सर। या बेस्ट पिक्चर? ऐसी पिक्चर जिसमें आप पहचान में ही नहीं आओ, मतलब खुद भी देखो तो ओ क्या बंदा है, नहीं। तो हम सब अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी सच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेसेस भी है। अपनी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कंपैरिजन के कीड़े से कैसे बचे? हाँ, उनको दे दो पीछे माइक। सर आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हमें और लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो जो भी कंपैरिजन हमारे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोले, बुरा लगेगा क्या? बट मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजन होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहाँ कंपैरिजन होता? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लग रहा होता। सर रियलिटी में भी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियलिटी होती है, लेकिन सिर्फ लोग हमें वही दिखाते जिससे हम जेलस फील करते हैं। एग्जैक्टली, नीचे दिखा। वेरी गुड पॉइंट है ना। अभी देखना, ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई, अभी तक मैं एक देख रहा था, लेकिन एक नहीं है, दो है। एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है वो, बट वर्चुअल रियल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया पे? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे बेस्ड है, देख रहे हो दोनों में फर्क। तो सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए क्या किया जाए। टू सी इट एज वर्चुअल रियलिटी एंड अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है, दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस कंपैरिजन फॉरएवर। जैसे स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, दिख रहा है एक्चुअल में कहां है। अब उसको अगर आप सच मान लो तो लाइफ की धज्जियां उड़ने से आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब आपने एक हॉरर फिल्म देखी स्क्रीन के ऊपर और आपको लगे कि हाँ इस मूवी में दिखाया है, तो इसका मतलब भूत होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बट द मोमेंट यू सी इट एज अ फैक्ट, यानी वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी देख लो, दैट फ्रीज यू फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उसको समझ लो कि ये सब नकली है, सब झूठ है। तो झूठ के सच को अगर आपने देख लिया, झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। एग्जैक्टली, किसी भी झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझा जाए? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है, क्या वो सच है?
क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है, ये बात आपको पता है या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फर्क समझ आया? जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। अगर आपको समझना हो नकली क्या है और असली क्या है, अगर ध्यान से समझना हो, तो आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया है। जानवरों के केस में कुछ भी नकली नहीं है, सब असली है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो अगर बंदरों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, चाहे तो किसी जंगल अंगल में जा सकते हो, जू में जा सकते हो, नहीं तो शीशा देख लो। तो जैसे ही अगर आप इनको बंदरों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो बंदरों के क्या होते हैं, 8 packs होते हैं। कभी देखे किसी बंदर के 8 packs? क्या होता है? एक गोरिल्ला एक्सपर्ट बैठे हैं, एक मिनट देना जरा। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गोरिल्ला को हमने कभी मूवी में देखा सर, उसको पैक्स ऐसे से निकला होता है। मूवी में होता है या एक्चुअल में होता है? सर अभी तो मूवी ही देखा। मूवी में तो कुछ भी हो सकता है। बट सर एक बार मैं जू में गया था तो 1-2 निकला हुआ था सर। ऊपर करके दिखाओ। 1-2 तो आपके भी निकले होंगे मतलब। नहीं सर, हमारा तो नेचुरल है। नेचुरल है ना। तो रियलिटी अगर समझनी है तो नेचर को ऑब्जर्व कर लो, जानवरों को ऑब्जर्व कर लो, तो उसमें हर तरह की आपको तरह तरह की फिजिक मिलेगी, तरह तरह की फिगर मिलेगी, बंदरों में, इसमें, उसमें, जानवरों में। कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर आप देखोगे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में बंदर वो है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बंदर कौन हुआ, कहते हैं ना बंदर मतलब नकलची बंदर। ये हैं सारे के सारे, एक दूसरे को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के कीड़े से बचने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस सच को देख लेना कि ये ऑनलाइन दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पे सब झूठ फैला पड़ा है चारों तरफ। द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो गए। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही हैं। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओगे। कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया, उसमें भाग रहे हो। कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? वॉट एवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊंगा। तो इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, इन रियलिटी, टू बी फ्री फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी, उसे फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली है, सब नकली है, सब झूठ है, सब बकवास है, तो सच क्या है वहां पर आ गए। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए कंपैरिजन के। कहां पर आ गए? रियलिटी में आ गए। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेकर के आने हैं। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफी है। डू यू जस्ट वॉन्ट टू डू वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वॉन्ट टू डू द राइट थिंग? वॉट इज राइट थिंग? नाउ यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ क्लोजली। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए हो, किताबी कीड़े बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, तो क्या करना है वहां पर? अपनी बहन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि कंपेरिजन के साथ क्या आता है? कॉम्पिटिशन। अब अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आपका जो पूरा ध्यान है वो है बाहर, अपने ऊपर तो है ही नहीं।
और कॉम्प्लेक्सिटी सारी यहां है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसका अगर आपने सोल्यूशन निकाल लिया तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना क्या बड़ी बात है? बाहर सिर्फ रिलेशंस को आपको संभालना है और पोजेशंस को संभालना है, विच इज वेरी इजी अगर किसी का दिमाग सॉर्ट आउट है तो। दिमाग हिला हुआ है अंदर से बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि जो अंदर से हिला हुआ है उसके साथ जो रिलेशन में जाएगा वो भी हिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में? यहां की कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म कर देना है। अब वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त आपको चिढ़ाते हैं मोटा 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 मोटा, तो आप पतले इसलिए नहीं हो रहे हो कि वो आपको मोटा बोलना बंद कर दे, क्योंकि आज आपको मोटा बोलना बंद कर देंगे कल कुछ और बोलना शुरू कर देंगे, तब तो आप बेवकूफों की तरह भागते रहोगे उनसे बचने के लिए। तो आप क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अंदर से आई एम नॉट फीलिंग एज गुड एज आई यूज टू फील जब मैं फिजिकली फिट था, यानी जब मेरा वेट कम था तो मैं बेटर फील करता था, तो अब मुझे वेट कम करना है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट ज्यादा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, तो अब कम करने की जरूरत ही नहीं है। वेट ज्यादा होना कोई बुरा नहीं होता है, बहुत सारे जानवर हैं जिनका वेट ज्यादा है और वो फिट है नहीं? Yes, sir. तो वेट ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, इसको ठीक कर लेना अपने माइंड में। प्रॉब्लम किस लेवल पे है? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे लोग आपको जज करेंगे, लेकिन उसको तो आपने पहले ही कचरा करके हटा दिया है ना। ये सब बातें आ रही है समझ में? आपको डिसाइड करना है कि अभी इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आपकी एज है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने करियर में कुछ करना है, तो क्या ये करने के लिए मुझे अंदर से हेल्थ वाइज अच्छा होना जरूरी है या नहीं है? इसलिए मुझे हेल्दी होना है। क्लियर हो गया? माइंड क्लियर हुआ? आंसर मिल गया सारा? कि ये सब जो सारी जड़ है कि मतलब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो कब इससे पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं? जब हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके खुद पर आ जाए और हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें, एक्चुअल में खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें और करते ही रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।